कृष्णा, आज हम बनाएंगे श्रावण महीने के सोमवार के लिए उफरड में मंचूरियन। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड, आज हम उपवास में खा सकते वैसा मंचूरियन बनाकर तैयार करेंगे। तो चलो, उसके लिए मैंने इसके अंदर कैप्सिकम, गाजर और केबिज ले लिया है, इस तरह से बारीक कट किया हुआ। तो अब हम उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे उसके अंदर हम। और राजीगिरा का लोट आता है, तैयारी लोट मिल जाता है राजीगिरा का, वो ऐड करेंगे हम। उसको मैंने इस तरह से आपको दिखाने के लिए एक कटोरी राजीगिरा का लोट लिया है और आधी कटोरी मोरैया का लोट ले लिया है। दोनों लोट डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस तरह से थोड़ा मसल मसल के मिक्स करेंगे, तो उससे हमारा जो केबिज के अंदर और कैप्सिकम के अंदर से पानी थोड़ा छूटेगा ना, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। वरना पहले पानी डाल देंगे ना तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए इस तरह से करना जरूरी है। इस तरह से करने के बाद अब हम थोड़ा पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और उसका आटा लगा देंगे। आप देख सकते हो इस तरह का हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। तो अब हम उसको इस तरह से गोल गोल शेप दे देंगे। तो मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी इस तरह से शेप बनाकर। आपको ऐसे शेप करने का टाइम ना हो तो आप डायरेक्ट भी उसको कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तो उसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे इसको। और उसको फास्ट गैस की फ्लेम पर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक पकाना है। ये पककर बाहर निकलेगा तो आपको लगेगा कि सेम टू सेम हम मैदे का बनाते हैं ना रेगुलर मंचूरियन की गोटी, इस तरह की बनकर तैयार होगी और स्वाद में भी सेम ऐसा ही लगता है। किसी को उपवास नहीं रहना होता है ना, फिर भी ऐसा बना कर दोगे ना तो घर में सब लोग उपवास करना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हो कि हमारा पककर तैयार हो गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इस तरह से मैंने दूसरा भी ऐड कर दिया था, तो उसको भी निकाल लेंगे अब। तो फिर से हम ऑयल गरम करने के लिए थोड़ा रख दिया है, क्योंकि हमको ड्राई मंचूरियन बनाना था उसके लिए। और उसके अंदर हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कर दी है, फिर केबिज, शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से काट लिया था लंबा लंबा, वो ऐड कर दिया है दोनों।
इसके अंदर आप गाजर भी ऐड कर सकते हो। और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमको वो बनाई थी गोटी, उसके अंदर तो पूरा नमक था ही, इसके लिए ग्रेवी जितना ही नमक इसके अंदर ऐड करना है उसका खास ध्यान रखना है। इस तरह से हम मिक्स करके पका लेंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, ये थोड़ा क्रंची होगा ना तो ही मजा आएगा खाने में इसके लिए। और फिर टोमेटो केचप ऐड कर देंगे हम। और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा पक जाए उसके बाद हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा उसके अंदर, और मिला लेंगे। मैदे की स्लरी बनाने में कॉर्नफ्लोर का यूज होता है, उसके बदले मैंने यहाँ पर आरा लोट लिया था। आरा लोट से भी हमारा थिकनेस बढ़ जाएगा, तो आरा लोट का मैंने इस तरह से पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि थिकनेस करने के लिए। और थोड़ा देख सकते हो आप कि थिक होने लगा है हमारा ग्रेवी। तो अब हम ग्रेवी थिक हो गई है, इसके अंदर हम जो बनाया हुआ बोल्स है वो ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। बोल्स डालने के बाद हमको 2 मिनट ही पकाना है, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, अगर बोल्स ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे इसके लिए। तो इस तरह से हमारा पक गया है, तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हो, और ऊपर से मैंने हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है ना, कोई कह ही नहीं सकता कि ये उपवास में खाने के लिए मैंने बनाया था। सेम टू सेम रेगुलर मंचूरियन होता है इस तरह का बनेगा। चलिए फ्रेंड, हमने फराड़ी मंचूरियन बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस रेसिपी पर लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना भूले नहीं। बाय बाय।